प्रभु ने एक बार और इस तरह से जो मौका दिया है उसके लिए मैं प्रभु का शुक्रगुजार हूँ। आज पहली बार जो भाई लोग इस सभा में आए हैं मैं उन सब का हार्दिक स्वागत करता हूँ। ये टाइम जब लोग घरों पर बैठकर या तो टीवी देख रहे हैं या गपशप करने में समय बिता रहे हैं, ऐसे समय इन चीज़ों को करने के बदले आप यहाँ पर आए, जिसका मतलब है कि आपके मन में प्रभु के बारे में जानने की इच्छा है। और मेरी प्रार्थना है कि जिस इच्छा के साथ आज इस सभा में आप आए हैं प्रभु आपकी उस इच्छा का आदर करें, आपकी इच्छा के लिए के कारण आपको अनुग्रह दें। और मेरी ये भी प्रार्थना है कि जो भी आज मेरी वाणी सुन रहा है वो प्रभु से आसमानी अनुग्रह पाकर ही यहाँ से जाए। चूँकि ये सभा केरल में हो रही है इसलिए हम सब इस बात को जानते हैं कि आज सारे केरल में एक त्यौहार मनाया जा रहा है जिसको लोग क्रिसमस कहते हैं। केरल के बाहर, मैं तो एमपी में था, एमपी, यूपी, राजस्थान, बिहार, उड़ीसा वगैरह में जनरली इस दिन को बड़ा दिन कहा जाता है। बड़े दिन का मतलब ये नहीं है कि दिन जो है 24 घंटे से ज़्यादा बड़ा है, बल्कि उसका मतलब ये है कि जो लोग इसको मनाते हैं वो लोग इसको अन्य दिनों से कुछ फर्क मानते हैं। एक्चुअली क्रिसमस प्रभु यीशु का, यीशु के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। मेरे और आपके लिए जिस दिन हम पैदा हुए थे वो दिन काफी महत्व रखता है ना। मेरी उम्र काफ़ी हो गई है, मेरे दोनों बच्चे शादीशुदा हो गए हैं, लेकिन मेरी बर्थडे पे यदि कोई कहता है कि ब्रदर हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि आपका अगला साल पिछले सालों से और ज़्यादा अच्छा हो, तो वो सुनने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। कई बार ऐसा होता है कि मैं किसी कैंप या कॉन्फ्रेंस में होता हूँ तो रात को सब मीटिंग वगैरह हो जाने के बाद उस कॉन्फ्रेंस में जो लोग संदेश देने के लिए आए हैं वो सब रात को एक साथ इकट्ठे होकर 5-10 मिनट, ब्रदर आज आपकी बर्थडे है इसलिए हम सब आपके लिए प्रार्थना करने के लिए इकट्ठे हुए हैं, जब बोलते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है कि अच्छा कि एक साल और कंप्लीट हो गया और यदि प्रभु मुझे एक साल और देते हैं तो वो साल अच्छा निकले, इसके लिए इतने सारे लोग मेरे लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। तो बर्थडे मनुष्य के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। क्रिसमस के दिन संसार के लोग उस व्यक्ति को याद करते हैं जिन्होंने इस सारे विश्व की रचना की, सृष्टि की, प्रभु यीशु। यीशु हिंदी शब्द है, केरल के लोग यीशु को ही येशु बोलते हैं। उत्तर भारत में, खासकर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश वगैरह में यीशु को ईसा कहा जाता है। अलग अलग जगह पर उच्चारण अलग अलग है लेकिन ये सब एक ही व्यक्ति के बारे में है। मैं इस समय आपके सामने पवित्र बाइबल से कुछ पोर्शन, कुछ हिस्से पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। वहाँ पर चूंकि यीशु शब्द प्रयोग में लाया गया है इसलिए मैं यीशु शब्द का प्रयोग करूँगा, लेकिन मैं ये याद दिलाना चाहता हूँ कि चाहे केरल वाले यीशु बोले, हिंदी वाले यीशु बोले या मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश वगैरह के लोग ईसा बोले, एक ही व्यक्ति के बारे में यहाँ चर्चा हो रही है। आज से 2000 साल पहले की एक घटना है, हम इस तरह से पढ़ते हैं। हेरोदेस राजा के दिनों में बेतलहम में यीशु का जन्म हुआ तो पूर्व से कई विद्वान यरूशलेम में आकर पूछने लगे
कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है वो कहाँ है। 2000 साल पहले की घटना है। 2000 साल पहले मध्य पूर्व में, जहाँ आजकल इज़राइल वगैरह है, वहाँ एक बहुत ही शक्तिशाली राजा हुआ था जिसको हेरोदेस कहा जाता है। एक्चुअली हेरोदेस का मतलब सिर्फ महाराजा है। कई हेरोद हुए, जिसमें से ये जिस व्यक्ति की चर्चा हो रही है वो इतना महान शासक था कि इतिहास में उसको हेरोदेस महान कहा जाता है। जैसे सिकंदर को सिकंदर आजम या सिकंदर महान कहा जाता है, अंग्रेजी में इस व्यक्ति को हेरोद द ग्रेट या हेरोद महान बोला जाता है। इतना महान शासक था, उसने सड़कें बनाए, महल बनाए, लोगों के लिए क्या क्या बनाए। इतने महान शासक के शासन के काल में प्रभु यीशु इस दुनिया में पधारे। वहाँ लिखा हुआ है जब बैतलहम में यीशु का जन्म, बैतलहम वहीं का एक छोटा सा गांव था, वहाँ पर प्रभु यीशु का जन्म हुआ। तो पूर्व से कई विद्वान आए, उन लोगों के बारे में इतिहास बहुत सारी बातें बताता है। उस जमाने में, आज से 2000 साल पहले की बात मैं याद दिलाना चाहता हूँ, 2000 साल पहले आजकल के समान ना तो इस तरह के डंबर की सड़कें हुआ करती थी, ना कार थे ना बस थे, बस लोग जो है या तो शहर के अंदर अंदर या शहर के आसपास यात्रा के लिए गधे का उपयोग करते थे, और यदि उन्हें लंबी यात्रा करनी पड़ती थी तो उसके लिए ऊंट का उपयोग करते थे, क्योंकि वहाँ मरुभूमि बहुत है और मरुभूमि में सिर्फ ऊंट है जो लंबी यात्रा कर सकता है। तो ऊंटों के एक बहुत बड़े काफिले के साथ विद्वानों का एक बहुत बड़ा ग्रुप महाराजा के दरबार में हाजिर हुआ। महाराजा के दरबार में क्यों हाजिर हुआ? इसलिए कि यदि राजा पैदा हुआ है तो राज दरबार में पैदा हुआ होगा, स्वाभाविक है। उनको कैसे पता चला कि राजा पैदा हुआ है? ये विद्वान लोग हर उस जमाने के हर तरह के साइंस के ज्ञानी लोग थे। यहाँ ओरिजिनल जिस भाषा में बाइबल की रचना हुई है उसमें इन लोगों के लिए जो शब्द है वो है मैग्याई, और उस शब्द का अपनी भाषा में अनुवाद किया जाए तो वैज्ञानिक लोग, ज्ञानी लोग, विद्वान, इस तरह से अलग अलग शब्दों में उसका अनुवाद किया जा सकता है, जिसका मतलब है कि उस जमाने के बहुत ही टॉप वैज्ञानिक लोग जो तारों का अध्ययन करते थे, जो पृथ्वी का अध्ययन करते थे, जिनसे कोई चीज छुपी हुई नहीं थी, ऐसे लोग वहां पर आए। क्यों आए? कारण यहां लिखा है दूसरे पद में, मैंने आपको पढ़ के सुनाया, हमने पूर्व में उसका तारा देखा है। आसमान में सूरज, चंद्रमा, तारे हम सब देखते हैं, लेकिन कुछ लोगों को उसमें दिलचस्पी ज्यादा होती है। वो लोग हर दिन आसमान के तारों को देखकर उसका अध्ययन करते हैं। पता नहीं आप में से किसी ने किया है या नहीं, लेकिन बचपन में मेरी बड़ी इच्छा थी कि इस तरह का साइंटिस्ट बनूं जो तारों का अध्ययन करे। और इस कारण मैं तो रोज शाम को तारों की पोजीशन देखा करता था। इतना ही नहीं, मेरे बचपन में, मैं 1960 वगैरह की बात कर रहा हूँ, उस समय घरों में पंखे कहाँ होते थे। मेरे घर में पहला पंखा 1970 के आसपास आया, जबकि मेरी पैदाइश 1954 की है। तो 1950 वगैरह के आखिर में, 1960, 61, 62, गर्मी के दिनों क्या करते थे, सब लोग छत पे लेटते थे, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान, सब लोग सो जाते थे, लेकिन मेरी आदत थी कि मैं घंटों तारों को देखा करता था। और इस तरह से तारों को देखने के बाद मुझे
आसमान का बड़ा निश्चय हो गया था कि फलाना तारा फलानी जगह दिखाई देगा, और यदि फलानी जगह दिख रहा है तो टाइम इतना हो गया, बिना घड़ी देखे मैं तारों को देखकर समय भी बता देता था। तो जो इस तरह से आसमान का अध्ययन करता है, एक बच्चा यदि बता सकता है, तो जो विद्वान लोग जो आसमान का अध्ययन करते थे, जब नियमित रूप से देखते थे, अचानक एक दिन उनको आकाश में एक नया तारा दिखाई दिया, एकदम से उनको समझ में आया, अरे कल तक यह तारा यहां नहीं था, कल तक यह खाली था, जिस जगह पर यह है और यह एक विशेष तारा है। हा जरूर कोई राजा पैदा हुआ है। अच्छा, उन्होंने यह भी देखा कि यह तारा पूर्व दिशा की ओर उगा है, जिसका मतलब है कि वे जहां पर थे उसके पूर्व में, मतलब यहूदियों के बीच में एक राजा पैदा हुआ है। तो विद्वानों ने कहा कि राजे महाराजे तो सारी दुनिया में पैदा होते रहते हैं, लेकिन एक राजा की पैदाइश पे एकदम से एक नया तारा ही आकाश में आ गया, तो इसका मतलब है कि ये एक विशेष शासक है जिसके इस दुनिया में आने को इंडिकेट करने के लिए या प्रदर्शित करने के लिए पूर्व दिशा में ईश्वर ने एक तारे को रख दिया है। बस उन्होंने डिसाइड किया कि हम सबको उस राजा का दर्शन करना चाहिए, क्योंकि ये एक ऑर्डिनरी राजा नहीं है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि विद्वानों का ये बड़ा काफिला, आजकल जिस तरह से बड़ी यूनिवर्सिटीज होती हैं, इस तरह का बड़ा ग्रुप था जो हर चीज का अध्ययन करते थे, उन लोगों ने अपना सारा बोरिया बिस्तरा बांध कर, उनके पास जो कुछ बेच सकते थे वो सब बेच कर, एक राजाधिराज को, ऑर्डिनरी राजा नहीं, एक राजाधिराज को प्रस्तुत करने के लिए उपयुक्त चीजें खरीद लिया उन लोगों ने। उन चीजों को खरीद कर बांध कर ऊंटों के ऊपर रख के एक बहुत बड़ा काफिला चल दिया। यहूदियों पर उस समय हेरोद नाम का व्यक्ति राज्य कर रहा था, हेरोद महान। उनके दरबार में पहुंचकर उन्होंने कहा कि महाराज, पूर्व दिशा में हमने तारा देखा है, जिसका मतलब है कि राजाधिराज का जन्म हुआ है और हम उनके दर्शन करना चाहते हैं। हेरोद के महल में तो कोई पैदा ही नहीं हुआ था, और जो पैदा हुए थे उनकी हालत बड़ी खराब थी। ये भी मैं बता दूं कि जब आदमी बहुत शक्तिशाली हो जाता है तो उसको ये लगने लगता है कि अब कोई भी मेरे बाद ना आए, तो इसलिए हेरोद महान, महान होते 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 उसको इतना घमंड हो गया कि उसने सारे बेटे मरवा दिए थे, जिससे कि उसका कोई भी बेटा उसकी जगह पर शासन ना कर सके। तो जो आदमी अपने सारे बेटों को मरवा के बैठा हुआ था या मरवाने के लिए बैठा हुआ था, जब उससे जाकर इन विद्वानों ने कहा कि राजाधिराज जिनका जन्म हुआ है, जिनका तारा हमने आसमान में देखा है, वो राजाधिराज कहाँ है, तो यहां लिखा हुआ है। यह सुनकर हेरोद राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। यरूशलेम नाम के शहर में वो राज्य करता था। किसी राजाधिराज के घर में जब राजकुमार पैदा होता है तो सारी जनता प्रसन्न हो जाती है, और यहाँ लिखा है कि राजा भी घबरा गया और प्रजा भी घबरा गई। प्रजा क्यों घबराई, प्रजा को क्या लेना देना? प्रजा इसलिए घबराई कि उनको मालूम है कि जिस राजा ने अपने सारे बेटे अपने जिंदा रहते हुए निर्दयता के साथ जिसने अपने बेटों की हत्या करवा दी,
अब यदि कोई राजाधिराज पैदा हुआ है, कोई यदि आके यहाँ अनाउंस करता है, तो पता नहीं ये सन की राजा क्या करे। हेरोद भी डर गया, अच्छा मैंने तो अपने सारे बेटों को मार डाला, अब कौन पैदा हुआ। और तारा भी दिख गया, इसका मतलब है कि ईश्वर ने ही बता दिया है कि इस तरह से कोई पैदा हुआ है। तुरंत राजा ने अपने दरबारियों को बुलाया, उनके बीच में प्रभु के वचन के एक से एक पंडित थे, उन लोगों से पूछा, देखो यदि इस तरह से तारा पैदा दिखाई दिया है और यदि ये राजाधिराजा के आने की निशानी है, मतलब मुक्तिदाता के आने की निशानी है, तो तुम लोग प्रभु के वचन में से ये बताओ कि ये राजाधिराज कहाँ पर पैदा हुए हैं। क्योंकि प्रभु का वचन कहीं ना कहीं तो ये बताता होगा कि राजाधिराज कहाँ पर आएंगे। उन लोगों ने प्रभु के वचन को ढूंढ डांट कर बोला कि एक छोटा सा गांव है बेतलहम, छठे पद में हम पढ़ते हैं, हे बेतलहम, तो तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा की रखवाली करेगा। तो ये बात अब कंफर्म हो गया कि राजाधिराज बेतलहम नाम के गांव में जन्म लेंगे। राजा ने एक चालाकी की, सातवें पद में हम देखते हैं कि राजा ने चुपके से उन विद्वानों को बुलाया और उनसे पूछा कि भैया तुमने तारा देखा, कब देखा था, कब तारा निकला था। तो उससे हेरोद को एक अनुमान हो गया कि ये बच्चा कब पैदा हुआ होगा और कितनी उम्र का होगा। और जब बुला के सब पूछ लिया तो उनसे कहा कि तुम लोग जाओ और राजाधिराजा का दर्शन करो, और दर्शन करने के बाद वापस आके मुझे बताना, जिससे कि मैं भी जाके दर्शन कर सकूं। वो साथ में क्यों नहीं चला गया? हेरोद को, जो कि हत्यारा था, उसको मालूम था कि वो सड़क पर से निकल जाता है तो लोगों की हालत पतली हो जाती है, तो यदि वो उस बच्चे को ढूंढने के लिए जाएगा तो बच्चे के माँ बाप उसको लेके भाग जाएंगे। ये बहुत अच्छी तरह से उसको ये बात मालूम थी, इसलिए उसने क्या किया कि विद्वानों को आगे भेजे, जैसे जासूसों को आगे भेजा जाता है। ठीक है, विद्वान लोग आगे आगे बढ़े। नौवें पद में हम देखते हैं वे हेरोद की बात सुनकर चले गए। देखिए प्रभु ने क्या किया, जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा था वो उनके आगे आगे चला और जहां बालक था उस जगह के ऊपर पहुंचकर रुक गया। यहां मैं एक बात आप लोगों से पूछना चाहता हूं। बचपन में मेरा तो शौक था, पता नहीं आप में से कितने लोगों ने ये शौक किया होगा, लेकिन जब मैं रात के समय यूँ पैदल चलता था तो कई बार चंद्रमा को देख के चलता था, और चंद्रमा को देख के आप चलें तो आपको लगेगा कि आपके साथ चंद्रमा है, वो भी चल रहा है। आसमान में किसी भी चीज़ को, किसी तारे को देखकर आप चलें तो भी आपको लगेगा कि तारा आपके साथ चल रहा है। इधर को जाएं तो लगेगा कि उधर को जा रहा है, उधर जाएं तो लगेगा कि उधर को जा रहा है। तो यदि उनको लगा कि तारा उनके सामने जा रहा है, तो जिसका मतलब यह है कि जब वे लोग राज दरबार से बाहर निकले तो प्रभु ने, ईश्वर ने प्रभु यीशु के आने को सेलिब्रेट करने के लिए या उसकी घोषणा करने के लिए जिस तारे को नियुक्त किया था, उस तारे को नीचे भेजा जिससे कि वो तारा कहाँ जा रहा है वो एग्जैक्टली उनको पता चले। यहाँ लिखा हुआ है कि जो तारा उन्होंने देखा था वही तारा उनको उनके सामने चला था। तो इसका मतलब है कि प्रभु ने उस तारे के द्वारा दो कार्य किए। नंबर वन, वहाँ से शायद हजारों किलोमीटर दूर स्थित विद्वानों के एक बहुत बड़े ग्रुप को बताया कि आज इस संसार को मुक्ति देने के लिए राजाधिराज पैदा हुए हैं। नंबर दो, जब वो लोग यहूदियों के प्रदेश में पहुंच गए तो उनको ढूंढने में कोई परेशानी ना हो, बेतलहम गांव का नाम मिल गया
और ढूंढने के लिए परेशानी ना हो, इस कारण उस तारे ने डायरेक्टली उनकी अगुवाई की और जिस जगह प्रभु यीशु का निवास था वहां पर जाकर वो तारा सेटल हो गया। आगे हम देखते हैं, उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए। उन्होंने घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिर के, 21वीं शताब्दी में हम लोग मुंह के बल गिर के किसी की आराधना नहीं करते हैं, हमारी आदतें बिगड़ गई हैं। जिसकी आराधना मुंह के बल गिर के करनी चाहिए उसकी आराधना मुंह के बल गिर के ही करनी चाहिए। उन लोगों ने जैसे ही उस बालक को देखा जमीन पर गिर गए, प्रणाम किया। सिर्फ इतना ही नहीं, जैसा मैंने इसके पहले बताया था, इन विद्वानों ने अपनी सारी जमा पूंजी को बेचकर राजाधिराज को प्रेजेंट करने के लिए जरूरी चीजें खरीद ली थी, वो चीजें प्रेजेंट की। क्या किया, थैला खोलकर सोना, लोहबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। ये सोना, लोहबान, गंधरस क्या है? सोना धन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए सबसे अच्छा माध्यम है सोना। सोना आप कहीं भी बेच सकते हैं, किसी भी सोसाइटी में चले जाइए बेच सकते हैं। और एक राजा को प्रेजेंट करने के लिए ऑर्डिनरी सिक्कों के बदले सोना चढ़ाना सबसे अच्छा उन्होंने समझा, क्योंकि वो राजत्व को भी बताता है। लोहबान पुराने जमाने से ही ईश्वर की आराधना के लिए यूज किया जाने वाला एक पदार्थ है लोहबान। मुझे उम्मीद है कि आप में से कई लोगों ने उसका स्मेल देखा होगा या महसूस किया होगा। केरल में तो लोहबान का उपयोग बहुत ज्यादा होता है, वो हमेशा ही ईश्वर की आराधना के लिए यूज किया जाता है। तो ना केवल राजा को उन्होंने धन प्रेजेंट किया, राजा की आराधना कर रहे हैं, इसके सिंबल, इसके प्रतीक के रूप में, निशानी के रूप में लोहबान प्रेजेंट किया। उसके अलावा उन्होंने एक चीज और प्रेजेंट किया, गंधरस। गंधरस एक बहुत ही मूल्यवान परफ्यूम है। अपन लोग अत्तर अच्छी तरह से जानते हैं, केरल में इतना नहीं होता है, लेकिन एमपी, यूपी, राजस्थान, बिहार, उड़ीसा इलाके में अत्तर बहुत होता है, या इत्र जिसे बोलते हैं, और एक से एक अत्तर होते हैं, एक से एक उसका सुगंध होता है। मुझे तो खस का अत्तर बहुत पसंद है, आप में से कई लोगों ने उसका स्मेल पाया होगा। प्रभु यीशु के जमाने में जो राजे महाराजे लोग थे उनको जिस तरह का परफ्यूम, जिस तरह का अत्तर प्रेजेंट किया जाता था वो था गंधरस। बहुत महंगा होता था, आजकल के समान थोक में कोई इसको बना नहीं पाता था। तो एक राजा के लिए उपयुक्त सोना, ईश्वर के लिए उपयुक्त लोहबान, राजाधिराज के लिए उपयुक्त गंधरस। उन लोगों ने उस बालक को चढ़ाया। उस बालक के लिए तीनों चीज़ें किसी काम की नहीं थी, लेकिन सवाल इस बात का नहीं है कि काम की थी या नहीं, सवाल इस बात का था कि वो कौन है। और उन विद्वानों ने इस बात को समझा कि ये राजाधिराज हैं। राजाधिराज से मेरा मतलब है इस जगत के मुक्तिदाता है। प्रेजेंट करने के बाद ये विद्वान लोग अपने रास्ते चले गए। वे लोग जब अपने रास्ते में चले गए, इस बीच हेरोद महान जो है उसका मन बड़ा बेचैन रहा। ये विद्वान लोग हेरोद के पास वापस नहीं गए, क्यों नहीं गए वो अलग बात है, वो आज हम नहीं देख रहे हैं। 16वें पद में हम देखते हैं कि हेरोद ने इमीडिएटली आदेश दिया, 2 साल और उसके नीचे के जितने बालक हैं, क्योंकि राजा है तो बालक है, जितने बालक है
सबकी हत्या कर दी जाए। जो अपने बेटों की हत्या से नहीं हिचकिचाया, उसको पराए के बच्चों की हत्या करने में क्या परेशानी है, और जिसके सैनिक उसके खुद के बेटों को गला काट के मारने में तैयार हो गए थे, उनको दूसरों के बच्चों का गला काटने में क्या परेशानी है। जितने 2 साल और उससे नीचे के बच्चे थे सबकी हत्या कर दी, प्रभु को कुछ हुआ क्या? देखिए, प्रभु इस संसार में एक लक्ष्य के साथ आए थे, और वो लक्ष्य था मुझे और आपको नया जीवन देना। प्रभु के लक्ष्य को कोई भी व्यक्ति गड़बड़ नहीं कर सकता है, उसको ख़त्म नहीं कर सकता है, उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता है। उन विद्वानों के जाने के तुरंत बाद आसमान से जो दर्शन मिला, उस दर्शन के अनुसार प्रभु के माँ बाप प्रभु को लेकर एक अन्य देश में चले गए, ऐसे देश में जहाँ पर हेरोद का राज्य नहीं था। और उस यात्रा में, यात्रा के लिए सोना जो विद्वानों ने ले जाकर प्रेजेंट किया था उनके लिए धन का कारण बन गया। वे लोग गए इजिप्ट में, मिस्र देश में, जहां पर सोने की बड़ी मांग थी। देखिए, मनुष्य के मुक्ति के लिए जब प्रभु ने मनुष्य के रूप में, एक बालक के रूप में इस संसार में जन्म लिया, तो 2 बातों के लिए प्रभु ने विशेष व्यवस्था की। 1, प्रभु का जन्म हुआ है इसका अनाउंसमेंट, इसकी घोषणा। घोषणा लास्ट हफ्ते हमने पढ़ा था, एक और ग्रुप से हुई, आज हमने देखा विद्वानों के ग्रुप के द्वारा, ग्रुप से घोषणा की, या उनके द्वारा घोषणा की, जिससे सारा संसार जान जाए कि देखो जगत के मुक्तिदाता पधारे हैं, और मुक्तिदाता जब मुक्ति देने के लिए तैयार हो जाएंगे उस समय के लिए तुम अपनी तैयारी रखो। प्रभु के 2000 साल पहले के जन्म को आज के दिन सारी दुनिया स्मरण करती है। लेकिन एक बात, प्रभु ने जब जन्म लिया तो स्वर्गदूत ने, उन्होंने कहा था, विद्वानों ने कहा, तुझ में एक शासक निकलेगा जो मेरी प्रजा इसराइल की रखवाली करेगा, या दूसरे शब्दों में उनको मुक्ति देंगे। आगे जब हम पढ़ते हैं तो पता चलता है ना केवल अपने लोगों को बल्कि सारी दुनिया के लोगों को मुक्ति प्रदान करेंगे। प्रभु ने उसको अनाउंस किया, प्रभु ने हेरोद के षड्यंत्र से बचाने के लिए इंतजाम किया। इतना ही नहीं, यहां एक चीज और मैं बताना चाहता हूं, वो जो परफ्यूम गंधरस विद्वानों ने ले जाकर प्रेजेंट किया था, वो न केवल परफ्यूम था, उसके पीछे वो एक बात का और चिन्ह था। धन इस बात का चिन्ह था कि प्रभु के खर्चे के लिए सारे इंतजाम हो गया है। लोहबान इस बात का प्रदर्शन था कि प्रभु ईश्वर हैं। गंधरस इस बात की भी यादगार था कि प्रभु इस संसार में एक राजाधिराज के रूप में पधारे हैं, लेकिन दुनिया के राजे महाराजाओं के समान राज्य करने के लिए नहीं, बल्कि लोगों को मुक्ति देने के लिए पधारे हैं। यहूदियों के बीच में एक कस्टम था, कस्टम ये था या तरीका ये था कि जब कोई व्यक्ति गुजर जाता है तो उस व्यक्ति के सारे शरीर पर तमाम तरह के परफ्यूम्स का लेप किया जाता था। हर एक कल्चर में अलग अलग तरीका है। शरीर पर उस समय जो लेपन किया जाता था उसमें सबसे महत्वपूर्ण एक परफ्यूम था, गंधरस। तो ये विद्वान जो सैकड़ों या शायद हजारों किलोमीटर दूर से आए थे, उनको ये तीनों बातें प्रभु ने डायरेक्टली इनडायरेक्टली बता दी थी। एक, प्रभु को यहाँ से जाना होगा। 2,
प्रभु स्वयं साक्षात ईश्वर है। तीन, प्रभु इस दुनिया में जबरदस्ती लोगों का शासन करने के लिए नहीं, बल्कि अपना जीवन उनके लिए बलिदान करके उनको नव जीवन देने के लिए पधारे हैं। हेरोद प्रभु की हत्या कर सका क्या? नहीं, क्योंकि प्रभु के आने का एक उद्देश्य था और वो उद्देश्य प्रभु की पैदाइश के 33.5 साल के बाद वो उद्देश्य पूरा हुआ। डिटेल हम कभी और देखेंगे, लेकिन मैं आज कुछ शब्द उस उद्देश्य के बारे में बताना चाहता हूँ। और वो यह है कि जब प्रभु कुछ बड़े हुए, 30 साल के हुए, तो प्रभु ने सेवा काल चालू किया, 12 शिष्यों को बुलाया, प्रभु के साथ सब जगह घूम घाम कर प्रभु ने शिक्षाएं दी। हर जगह प्रभु एक बात और बोलते थे, देखो मेरा शासन इस संसार का नहीं है, मैं इस संसार के शासक के रूप में नहीं आया, मैं इस संसार के मुक्तिदाता के रूप में आया हूँ, नव जीवन देने के लिए आया हूँ। और इस कारण एक दिन आ रहा है जब वो लोग धोखे से मुझे पकड़कर सूली पर चढ़ा देंगे। उनको लगता है कि हमने इस व्यक्ति की हत्या कर दी, लेकिन मैं तुम लोगों को एडवांस में बता देना चाहता हूँ कि मैं अपने स्वयं की इच्छा के साथ सूली पर जा रहा हूँ, जिससे सूली पर मेरी मृत्यु के द्वारा तुमको नव जीवन, एक नया जीवन मिल सके। तो जिस प्रभु के बारे में आज हमने पढ़ा, इन्होंने 33.5 साल की उम्र में सूली पर की जो मृत्यु है उसको स्वीकार कर लिया। और सूली पर जब प्रभु टंगे हुए थे, तब प्रभु के मुंह से जो शब्द निकले थे वो ये थे, हे पिता इनको क्षमा कीजिए, क्योंकि ये लोग नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। और प्रभु ने उसके बाद कहा, पूर्ण हुआ। पूर्ण हुआ का क्या मतलब? मनुष्य की मुक्ति के लिए, मनुष्य को उद्धार देने के लिए प्रभु का बलिदान पूर्ण हुआ। और उसके साथ साथ प्रभु ने अपने प्राण त्याग दिए। लेकिन प्रभु ने अपने जीते जी लोगों से ये बात बार बार प्रभु ने रिपीटेडली कहा था कि मृत्यु के 3rd दिन, 3 दिन के बाद मैं पुनर्जीवित हो जाऊंगा। तो यहूदियों का जो तरीका है उसके हिसाब से प्रभु को सूली पर से उतार कर एग्जैक्टली जिस तरह से इन विद्वानों ने इंडिकेट किया था, प्रभु के शरीर पर परफ्यूम्स का लेपन किया गया, लगभग 25 किलोग्राम परफ्यूम्स का लेपन किया गया, ऐसा बाइबल में लिखा हुआ है। और उसके बाद कपड़े में लपेट कर यहूदियों के तरीके के अनुसार उनको चट्टान में एक कब्र में रख दिया, और कब्र का दरवाज़ा बहुत भारी पत्थर के द्वारा सील कर दिया गया। इतना ही नहीं, वहाँ पर सैनिकों का एक बहुत बड़ा दस्ता, एक टुकड़ी दिन रात पहरे पर खड़ी रही। क्या हुआ? जैसा प्रभु ने कहा था वैसा ही 3 दिन और 3 रात जैसे ही गुजरे, वैसे ही आसमान से एक फरिश्ता आया और उसने वो पत्थर जो कि इस कब्र के दरवाजे पर था उसको हटा दिया। क्यों हटाया? जिससे कि सारी दुनिया देख सके कि प्रभु वहाँ नहीं है। प्रभु कहाँ थे? प्रभु ने जैसा अपने शिष्यों को बार बार बताया था, 3 दिन और 3 रात के बाद प्रभु पुनर्जीवित हो गए। क्यों जीवित हो गए? ईश्वर को कौन रोक सकता है? मनुष्य रूप में आए ये सही है, और मनुष्य रूप में आए और चूंकि मनुष्य मृत्यु के अधीन है इसलिए मृत्यु उनको सहना पड़ा, लेकिन ईश्वर को कोई रोक नहीं सकता है। 3 दिन और 3 रात के बाद प्रभु पुनर्जीवित हो गए। शिष्यों को 40 दिन तक उन्होंने दर्शन दिया, और उसके बाद उन शिष्यों के सामने प्रभु का स्वर्गारोहण हो गया। लेकिन जाने से पहले प्रभु ने बार बार ये बात बताई थी कि देखो मैं जा रहा हूँ, परमानेंटली नहीं जा रहा, मैं वापस आऊँगा, मैं तुम लोगों को अपने साथ ले जाऊँगा, जिससे कि जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी रहो। आज जब सारी दुनिया क्रिसमस मना रही है, या ख्रिस्त जयंती या ईसा जयंती मना रही है, तो यह है उसका मतलब।
मतलब ये है कि आज से 2000 साल पहले मनुष्य को मुक्ति देने के लिए मुक्तिदाता के रूप में प्रभु इस दुनिया में पधारे, मनुष्य के समान जिए, मनुष्य के समान खाया पिया। लेकिन 35 साल की उम्र में प्रभु ने मेरे और आपके लिए अपना जीवन सूली पर अर्पित कर दिया, जिससे कि सूली पर उनके बलिदान के द्वारा मुझे और आपको एक नया जीवन मिल सके। उन्होंने ना केवल अपना जीवन अर्पित किया, वे ईश्वर हैं, इस कारण 3 दिन और 3 रात के बाद पुनर्जीवित हो गए, लोगों को दर्शन दिया, 40 दिन तक दर्शन दिया। इसके बाद उनके देखते देखते स्वर्ग चले गए, एक दिन प्रभु वापस आने वाले हैं। आज से लगभग 58 साल पहले ये बात मैंने अपने फादर से सुनी कि प्रभु इस दुनिया में इसलिए पधारे कि हर व्यक्ति को मुक्ति दे। फादर ने बोला, बेटा तुमको भी मुक्ति देना चाहते हैं, पाप से मुक्ति देना चाहते हैं, तुमको एक नया जीवन देना चाहते हैं। मुझे आज भी याद है, मैंने वहीं फादर के सामने घुटने टेक कर प्रभु से बोला, प्रभु मैं जानता हूँ कि मैं पापी हूँ, मैं मानता हूँ कि मैं पापी हूँ, मैं जानता हूँ कि पापी होने के कारण मैं आपकी उपस्थिति में नहीं आ सकता। एक पापी व्यक्ति आपकी उपस्थिति में नहीं आ सकता, लेकिन आज मैं ये बात भी समझ गया हूँ कि मुझे मेरे पापों से मुक्ति दिलाकर आपकी उपस्थिति में ले जाने के लिए प्रभु यीशु इस दुनिया में पधारे। मैं इस बात को समझ गया हूँ, मैं इस बात को जान गया हूँ, मैं इस बात को मानता हूँ, और प्रभु आज मैं मान लेता हूँ कि प्रभु यीशु ने मेरे लिए अपना बलिदान सूली पर दिया था। और हे प्रभु, चूँकि मैंने मान लिया है कि मैं पापी हूँ, चूँकि मैंने आपको मुक्तिदाता मान लिया है, इसलिए दया करके, कृपा करके मुझे मुक्ति प्रदान कीजिए। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जिस क्षण मैंने यह प्रार्थना की, उस क्षण से आज तक मैं इस कॉन्फिडेंस के साथ जी रहा हूँ कि उस क्षण प्रभु ने मेरे पाप क्षमा कर दिए, मुझे मुक्ति प्रदान की, और एक दिन प्रभु मुझे अपने साथ ले जाएंगे। आज जब सारी दुनिया त्यौहार मना रही है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्रिसमस का असली मीनिंग यह है कि प्रभु आपको एक नया जीवन देना चाहते हैं। यहाँ इस मंडली में जितने लोग बैठे हैं, इनमें से कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस नव जीवन को, इस नए जीवन को पाया है। मैंने पाया, मेरे साथ जो भाई जेफरी यहाँ खड़े हुए थे उन्होंने पाया है, ये बहनें जो बैठी हुई इन्होंने पाया है, वो पीछे जो भाई बैठे हुए हैं संतोष उन्होंने पाया है, वो बच्चे ग्रेसन और जोयल जो बड़े उत्साह के साथ आज वो बजा रहे थे, उन लोगों ने प्रभु को मुक्तिदाता के रूप में पाया है, इस कारण वो लोग यहाँ आए हैं। और उधर पीछे की तरफ एक सेठ बैठे हुए हैं लाल टी शर्ट में, उन्होंने प्रभु को मुक्तिदाता के रूप में पाया है, इसलिए वो अपना काम छोड़ के आज यहाँ शाम को इस सभा में आकर बैठे हुए, जिससे कि कोई यदि उनसे पूछे कि भैया ये आपने पाया है, तो वो बताएंगे हाँ पाया है। कैसे पाएंगे वो डिटेल्स आपको बताएंगे, हम में से सब ये डिटेल आपको बताने के लिए तैयार हैं। इसलिए मेरा अनुरोध है, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, इस मंडली में उपस्थित यदि कोई भाई या बहन यदि ऐसा है जिसने आज तक अपने पाप का समाधान हल नहीं पाया है, पाप की क्षमा नहीं पाई है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, यकीन दिलाना चाहता हूँ कि ईश्वर ने जब उसका हल निकाल दिया है, उसका समाधान निकाल दिया है, और जब मैंने और यहाँ कई लोगों ने उसको पा लिया है, हम चाहते हैं कि आप भी उसको पा लें, और उसके डिटेल्स आपको बताने के लिए हम तैयार हैं। इस सभा के बाद यदि इस विषय के बारे में आप और ज़्यादा जानना चाहेंगे, तो हम आपको और डिटेल में बताएंगे। हमारे युवा भाई एबल आकर प्रार्थना करके इस मीटिंग को समाप्त करेंगे। हिंदी नहीं जानते हैं, मैं ज़बरदस्ती इन लोगों को यहाँ इसलिए खींचता हूँ कि इनको शर्म आए कि भैया मुझे हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं आती है, और धीरे धीरे हिंदी सीख ले। एबल आकर प्रार्थना के साथ इस मीटिंग को समाप्त करेंगे।